हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं सुनील कुमार साहू और आपका एक एजुकेशनल कोच, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता है कि अभी 10th और 12th का जो एग्जाम फिनिश हुआ है, 10th 12th का एग्जाम फिनिश होने के बाद में सारे बच्चे लोग क्या करें। सबके मन में कंफ्यूजन है कि आप अपना 2 से 3 महीना या 4 महीना जो आपके पास गैपिंग है, आप इस समय में ये आपका प्रेसियस टाइम, जो आपका कीमती टाइम है, आपका खुद का टाइम है फ्यूचर बनाने का, आप इसे कहीं ना कहीं आप बिल्डअप में लगा दें। जैसे कि आप अपने आप को कहीं एंगेज कर लें, जैसे कि कोई भी एक छोटा सा कोर्स, चाहे 6 महीना का हो, 4 महीना का हो, 3 मंथ्स का कोई कोर्स हो, आप उसे कर लें। जैसे कि आप कोई अपने विश के अनुसार, अगर आपके मन में कुछ विश नहीं है तो आप कोई बात नहीं है, आप कुछ ऐसा कुछ टारगेट नहीं बनाए हैं कि आफ्टर 10th आफ्टर 12th हमको क्या करना है, तो हम तो यह कहेंगे आप कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लीजिए। आप कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लीजिए, वह कोर्स जो आपके बजट के अनुसार हो और आपके आसपास में हो। और थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, वो कंप्यूटर कोर्स थोड़ा ब्रांड होना चाहिए, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में आप थोड़ा कीजिए, जहां पर नॉलेज और सर्विस अच्छा से आपको प्रोवाइड मिले। क्योंकि गार्जियन का तो फाइनेंस तो वहां इन्वेस्ट होगा ही। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपना एक कीमती समय कहीं ना कहीं इधर उधर इन्वेस्ट ना करें, अपने आप को एंगेज कर लें। क्योंकि ये 3 मंथ्स 2 मंथ्स 4 मंथ्स वाट एवर जो भी हो, उसके बाद में 10th के बाद में आपको क्या लेना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, या 12th के बाद में आपको क्या लेना है, ऑनर्स जनरल्स, वो आपके हाथ में है। आपका जैसा आपका एजुकेशनल का जो पर्सनालिटी है, जिस तरह से आपका बैकअप पहले से 12 साल में 10 साल में जो आपके पास में आया है, उस हिसाब से आप कोई भी ऑनर्स या जनरल कोर्सेस वगैरह करें, या 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी पढ़ाई करें। तो अभी 3 मंथ्स जो मेन मुद्दे की बात है, अभी 3 मंथ्स जो आपके पास है, आप इसमें क्या करें, आप इस 3 महीना जो आपके पास में है आखिर में इसमें आप क्या करना चाहते हैं। तो हम तो यह कहेंगे आप अपने इलाका के आसपास कहीं भी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, जहां पर कुछ एक नॉलेज को गेन कर लीजिए। आप अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से बोलिए कि मुझे ये कोर्स करना है। आप अपने पेरेंट्स को वहां लेकर जाइए और वहां पर आप एडमिशन होगा। हो सकता है आपका गार्जियन कहे कि नहीं, इस मंथ नहीं, कमिंग मंथ, या अभी रहने दो, अभी मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से ऐसे एनजीओ इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स करवाया जाएगा। आप पता लगाइए, नेट में सर्च कीजिए और उस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन करवा लीजिए। क्यों मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, हमारा कुछ फायदा नहीं है। मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताया, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को देख रहे हैं 10 12 का एग्जाम देने के बाद में बैठे हुए हैं, घर डोमेस्टिक कोई वर्क कर रहे हैं, अपने नेट इंटरनेट में इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत सारे वीडियो वगैरह अगरम अगरम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, आप कहीं 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 ना कहीं अपने आप को पूरा एंगेज कर ले, क्योंकि यह टाइम आगे चल के आपको कहीं ना कहीं काम देगा आपका फ्यूचर को।